वर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में हमारी बीवी हामिला थी, प्रेग्नेंट थी और हम दूर सफ़र पे गए हुए थे। जब एक अरसे के बाद हम वापस आए तो हमने देखा कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, उसने दरवाज़ा खोला। हमने अपनी बीवी से मालूम किया कि मेरी शरीके हयात, ये बच्ची कौन है? तो हमारी बीवी ने बताया कि ये हमारी बेटी है, आप जब गए थे तो हमें हामिला छोड़ के गए थे, फिर इस बच्ची की विलादत हुई। तो उस बच्ची ने फौरन ही हमें अब्बा कह के बुलाया तो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस दौर में बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, हमारा मुआशरा बहुत ही ख़राब था, बेटियां ज़िंदा दफन कर दी जाती थीं। अगर कोई अपनी बेटी को ज़िंदा दफन ना भी करना चाहता था तो मोहल्ले वाले ताने मारा करते थे, ताने मार मार के उसे भी ज़िंदा दफन करवा दिया करते थे। हमारी बेटी जब हमें अब्बा कह के पुकारती थी तो हमें बहुत अच्छा लगता था और हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करने लगे। लेकिन ज़माने वालों ने, मोहल्ले वालों ने ताना मार मार के हमें परेशान करके रख दिया था या रसूल अल्लाह। एक दिन हमने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, हमारी बेटी को तैयार कीजिए और उसको बताइए कि हम उसको एक दावत पे ले जा रहे हैं, उसको वहाँ उसकी सहेलियों से मुलाकात करवाएंगे। तो हमारी बीवी ने हमारी बेटी को तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद हम लोग सफ़र के लिए निकल गए। हमने अपने बेटी को बताया कि बेटी हम तुम्हें एक दावत में ले जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि या रसूलल्लाह हम उसको ज़िंदा दफन करने के लिए जा रहे हैं। हुजूर की बात, सारी की सारी बात सुन रहे हैं और वो सहाबी कहते हैं, या रसूलल्लाह हम एक बयाबान जंगल में, सुनसान जंगल में जब पहुँचे तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गर्मी बहुत शिद्दत की थी, बहुत तेज़ धूप थी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग उस जंगल में ठहर गए और हमने अपनी बेटी से कहा, बेटी इस दरख्त के नीचे बैठो, हमें थोड़ा सा काम है, हम उसको करके आते हैं। हमने अपनी बेटी को एक दरख्त के नीचे बिठाल दिया। हमारी बेटी एक दरख्त के नीचे बैठ गई। हम पड़ोस में जाके कब्र खोदने लगे, एक गढ़ा खोदने लगे और हमने काफ़ी गहरा गढ़ा खोदा। गर्मी बहुत तेज़ की थी, पसीना भी बहुत तेज़ आ रहा था। तो मेरी बेटी ने देखा कि मेरा बाप गढ़ा खोद रहा है, उसमें से मिट्टी निकाल रहा है, मेरे बाप को पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही होगी, चलो हम पसीना पोंछ देते हैं। मेरी बेटी ने अपने दुपट्टे से हमारा पसीना पोंछा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस बेटी के लिए हम गढ़ा खोद रहे थे ना, वही बेटी हमारे लिए अपने दुपट्टे से हमारा पसीना पोंछ रही थी और कह रही थी, बाबा आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, बाबा आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, थोड़ा सा गढ़ा मैं खोद देती हूँ, इसकी मिट्टी मैं निकाल देती हूँ। मेरी बेटी ने मेरी उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ने के बाद मुझे एक दरख्त के नीचे बिठाल दिया, कहा बाप आराम करो थोड़ी देर, थोड़ी देर मैं गढ़ा खोदती हूँ। मेरी बेटी गई, थोड़ी देर उसने गढ़ा खोदा। गढ़ा खोदने के बाद फिर मैं गया, मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम थक जाओगी, तुम यहाँ बैठो। फिर मैं गया, मैंने गढ़ा खोदा और गढ़ा खोदने के बाद मैंने अपनी बेटी की उंगली पकड़ी। उंगली पकड़ने के बाद मैंने अपनी बेटी को उस गढ़े में ढकेल दिया। मेरी बेटी देख रही थी और मुझे अब्बा कह के पुकार रही थी, अब्बा ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो बोल रहे थे कि हमें एक दावत में ले जा रहे हैं और बेटियाँ, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है कि आज बेटियाँ आराम से रह रही हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है कि बेटियों को जो ज़िंदा दफन किया जाता था वो सिलसिला ख़त्म हुआ। ये किसकी वजह से? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। उस सहाबी कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने अपनी बेटी को उस गढ़े में ढकेल दिया और हमने उसमें मिट्टी डालना शुरू कर दिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने आधी मिट्टी डाल दी। मेरी बेटी कहती है, अब्बा आप ये क्या कर रहे हो, आप इसमें मिट्टी क्यों डाल रहे हो, अब्बा आप इसमें मिट्टी मत डालो, हमें ज़िंदा कत्ल ना करो, ज़िंदा मत मारो। अब्बा आपको याद है जब हम आ रहे थे तो हमारी वालिदा ने कहा था कि ये अल्लाह की नेमत है, इसको ज़ाया मत करना। अब्बा हम तो आपकी लाडली बेटी हैं, आप हमें क्यों कत्ल कर रहे हैं, आप हमें इस गड़े में क्यों डाल के जा रहे हैं, क्यों हमें ज़िंदा दफन कर रहे हैं? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस बात को सुन रहे थे तो ज़र्र-ओ-क़तार रो रहे थे।
आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रहमतुल्लाहा भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा को गले से लगा लिया और ठाठे मार के रोने लगे। वो सियाबी कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब हमने मिट्टी गले तक डाल दी थी ना, जब मिट्टी गले तक पहुँच गई थी, तब मेरी बेटी ने हमें बाप कहना बंद कर दिया। एक ही बोली बोल रही थी कि ऐ अल्लाह, क्या बेटियों को बचाने वाला कोई नहीं आएगा? ऐ अल्लाह, क्या बेटियां ऐसे ही बर्बाद होती रहेंगी? ऐ अल्लाह, क्या बेटियों को ऐसे ही ज़िंदा दफन कर दिया जाएगा? या अल्लाह, तू कोई ऐसा भेज दे जो बेटियों पर शफ़क़त करे। ऐ अल्लाह, तू कोई ऐसा भेज दे जो बेटियों को इज़्ज़त दे। ऐ अल्लाह, तू कोई अपनी तरफ से ऐसा अपना बंदा भेज दे जो बेटियों को इंसाफ दिला सके। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वो ये कह रही थी, तो हमने फिर और मिट्टी डाल दी और उसको वहीं पर ज़िंदा दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब हम ये वाक़या सोचते हैं तो रसूल अल्लाह हमें बहुत रोना आता है। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरी आँखों के तले से हट जा, मेरी आँखों के सामने से हट जा। और आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। अबू सियाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत था, माजरत चाहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए हमारी निगाहों से हट जाओ। हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सीने से लगाकर ठाठे मार के आप रो रहे हैं। और ये सदका है हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कि आज बेटियाँ इज़्ज़त से रह रही हैं। वरना आज भी वो दौर होता, अगर आका ना आए होते तो आज भी बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बेटियों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा करम है। और बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। जिसके घर एक बेटी हो, उसके घर रहमतों का नुज़ूल होता है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसके घर बेटी पैदा होती है, फरिश्ते आते हैं और उस बेटी के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, जो भी इसकी परवरिश करेगा अल्लाह ताला उसको कल क़यामत के दिन बख्श देगा। जिसके घर दो बेटी पैदा होती हैं, उनके घर में अल्लाह ताला की ऐसी रहमतें नाजिल होती हैं कि उसका सिला तो कल क़यामत में ही उसको पता चलेगा। जिसकी तीन बेटियाँ पैदा हो जाए ना, उसको तिगुना सवाब मिलता है।